वालेकुम। आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? जाओ दिखा दो अभी, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो कल की क्लास में जो हमने चीजें डिस्कस करी थी, हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। बेसिकली ये एक मेथड था कि जो के हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एंड टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आइसोटोप। ठीक है, तो बेटा आपको इस तरीके के स्पेक्ट्रोग्राम गिवन होते हैं पेपर में, एंड विद रिस्पेक्ट टू दीज स्पेक्ट्रोग्राम हमें मास नंबर और इनकी परसेंटेजेस पता होगी, और हम लोग बताइए ए आर के फॉर्मूला से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसकी, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसकी एग्जाम्पल करिएगा बेटा, अपने साथ कैलकुलेटर जरूर रख लीजिएगा। मैं ग्राफ बनाता हूँ और फिर हम इसको समझते हैं। अब एक और ग्राफ मैं यहाँ पे बनाऊंगा, बताइए आ गया आपके पास एक और स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, और इसमें आपको पीक सीजी है, और ये आ गया आपके पास मास नंबर। और यहाँ वगैरह आपके सारे परसेंटेज कितने में है, 50, 40, 20। ये पीक की परसेंटेज बेटा आपके पास 79.0% सर। जी बेटा, पर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हेलो, अब देखो आप सही है? जी सर, आप बिल्कुल ठीक है। चलो ओके, तो बेटा ये आपको एक और स्पेक्ट्रोग्राम गिवन है। दीज आर दी रिलेटिव अबंडेंसेस, ये आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंसेस है हमारे पास, और ये मास नंबर आपको गिवन है। ठीक है, और ये आपको बेटा स्पेक्ट मास स्पेक्ट्रा दिया हुआ है एक एलिमेंट मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का आपको स्पेक्ट्रम गिवन है, मतलब अब आपने इस ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री थी इसमें जब मैग्नीशियम का सैंपल डाला तो हमें एक कंप्यूटर जनरेटेड इस तरीके का ग्राफ मिल गया, जिसमें हमें पता चला कि भाई आपके पास यहाँ पे टोटल पीक्स कितनी है, 3 पीक्स हैं, जिसकी वजह से हमें ये बात तो पता चल गई कि यहाँ पे 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं। सही, तो 3 पीक्स मतलब 3 आइसोटोप्स यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। अब
इन सब आइसोटोप्स की परसेंटेजेस भी आपको गिवन है, जैसे 24 वाले का 79%, 25 का 10% और 27 का 11% आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि आप इसका एटॉमिक मास निकालें, तो आप इसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? बड़ी आसान सी एक बात हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपके पास जितने आइसोटोप्स हैं, एक 24 वाला है, 24 वाले की कितनी परसेंटेज गिवन है बेटा? 79.0 प्लस 25 वाले की परसेंटेज है आपके पास 10.0 एंड प्लस 26 वाले की परसेंटेज है बेटा आपके पास 11.0% एंड होल डिवाइडेड बाय द टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज कितनी आ रही है? 79, 10 और 11 को अगर आप ऐड कर दोगे ये भी आपका 100% आएगा। ठीक है, तो जरा आप बच्चे बताओ कि इसको कैलकुलेट करके इसका एआर कितना आएगा। देखिएगा बच्चों और आंसर बताइएगा। बिल्कुल, इसका आंसर आया 24.32 पर। मैग्नीशियम का जो एक्चुअल एटॉमिक मास है, जो कि हम आज तक सिर्फ 24 लेते हुए आए थे, वो इसका एक्चुअल मास क्या है? 24.32। ठीक है, क्यों 24.32 है? बिकॉज इसके अंदर आइसोटोप्स भी मौजूद हैं और जो आइसोटोप्स के मासेस हैं वो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो आपको शो कर रहे हैं, इट कंटेन्स द आइसोटोप्स एज वेल। ओके, अब कभी कभी तो एग्जामिनर आपको ग्राफ की फॉर्म में दे सकता है, जैसा कि मैंने एक शक्ल आपको ये दिखाई, तभी वो आपको ग्राफ नहीं देगा, तभी वो आपको सिर्फ ऐसे ही बता देगा कि भाई हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसके एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल थ्री आपके पास बड़ा एक एलिमेंट है जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, इसका सिंबल है बेटा आपके पास जीई। हाँ बेटा, ये कल कल का भी रीकैप है और उसी का कंटिन्यूशन है। हमारे पास जर्मेनियम आपके पास या एलिमेंट है, इस जर्मेनियम से आपको एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है। जर्मेनियम का बेटा आपको मास नंबर आपको दिया हुआ है 70, 72, 73, 74 और 77। ये आपको इसके मास नंबर दिए हैं और इनकी परसेंटेजेस की में परसेंटेजेस आइसोटोप्स की 2.06, मतलब आपको अब एग्जामिनर ने ग्राफ नहीं दिया हुआ, अब मास नंबर और परसेंटेजेस लिख के दे दिया आप। यह आ गया 27.4%, ये हो गया 7.7%, 36.7% और 7.6%। ये आपको गिवन है। अब एग्जामिनर कहता है बेटा आप मुझे ए आर निकाल के बताएं इस जर्मेनियम, यहाँ पर कितने आइसोटोप जर्मेनियम के डिस्कवर हो रहे हैं बेटा? 5 आइसोटोप हो रहे हैं, तो मतलब जो इसका स्पेक्ट्रोग्राम बना होगा उसके अंदर 5 आइसोटोप्स, 5 पीक्स मौजूद होंगी। ठीक है, क्योंकि द नंबर ऑफ पीक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आइसोटोप। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि जर्मेनियम का एटॉमिक मास कितना आएगा।
चला गया बेटा। हाँ दीन बताओ। हमारे सर 59.801 59.80 की बात। दोबारा से देखो सर, मेरा भी 59.801 आ रहा है। फिर वो तो गलत ही होगा, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि सारी वैल्यूज तो 70 में, तो 70s में कुछ होगी। जी। अच्छा हाँ, एक चीज तो आप करो 20.6। अब देखो ये वो पॉइंट्स का एक डेसिमल का फर्क है, 20.6। अभी क्या है? फिर 72.77। 72.7 बिल्कुल यही सही आएगा, क्योंकि जैसे कि कभी एक बच्चे ने कहा कि क्योंकि इसके मार्क्स नंबर 70 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसका टोटल एटॉमिक मास भी 70 के आसपास ही होना चाहिए था। तो 72.7 इज द राइट आंसर। तो आप लोगों के थिंकिंग प्रोसेस बेटा ये भी हो सकता है कि अगर आपने कहीं जैसे कि एक डेसिमल का भी गलती कर दी फॉर एग्जांपल, और अगर आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ रहा तो आप अपने क्वेश्चन को फिर से चेक करो। और ये बात को तो ज़्यादा लगाना बिल्कुल जरूरी है, कॉमन सेंस की बात है कि जब सारे मार्क्स 70 के अराउंड है तो इसका टोटल भी 70 के आसपास ही आएगा। सही बेटा, एक तरीका ये था कि एग्जामिनर ने आपको रिलेटिव अबंडेंस दे दी, ग्राफ दे दिया, आपने ग्राफ से देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा मेथड ये था कि एग्जामिनर ने आपको ग्राफ कुछ नहीं दिया, उसने मार्क्स नंबर और परसेंटेज दे दी और कहा ए आर निकालो, तो ये आ गया। एक और फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, चौथी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जहाँ पे एग्जामिनर आपको ग्राफ तो देगा बिल्कुल, लेकिन अब कुछ ग्राफ की जो शक्ल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है मास स्पेक्ट्रम ऑफ लेड, लेड का मास स्पेक्ट्रम है। तो अगर बेटा ये आ गया तुम्हारे पास 1, ये 2। अब आपने अब एग्जामिनर ने आपको परसेंटेजेस नहीं दी, बल्कि ये जो परसेंटेजेस थी इनका आपको रेशियो दे दिया, आपको टोटल रिलेटिव अबंडेंस दे दी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस नहीं दी। ठीक है, और ये आपका वो ही आपका बेटा मास नंबर है यहाँ पर। ओके, जिसमें पहला है 206, 207 और 208। तो एक ग्राफ आपके पास मास स्पेक्ट्रम का ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकता है कि जहाँ पर वो आपको सिर्फ रेशियोज दे दे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा? अगर हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो चीजें वही हैं, 206 वाले का रेशियो कितना है आपके पास बेटा 1, प्लस 207 वाले की रिलेटिव अबंडेंस का रेशियो कितना है आपके पास 207 इंटू
वन अगेन प्लस 208 वाले का रेशियो कितना है आपके पास बेटा 2, हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 2 से एंड जी टोटल रेशियो कितने आ रहे हैं आपके पास बेटा 1 प्लस 1 प्लस 2 अंडर डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो जब आपको परसेंटेजेस गिवन है तो जितनी आइसोटोप्स की परसेंटेजेस हैं उसको सम अप करके आपको डिवाइड करवाना है, लेकिन जब आपको ये परसेंटेजेस गिवन है सॉरी रेशियोज गिवन है तो आप टोटल रेशियोज को सम अप करके उसको डिवाइड करा दोगे टू फाइंड आउट दी एआर। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो इसके एआर को तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आता है 207.25, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, ठीक है बेटा। बात क्लियर है, अब इसको कॉपी कर लीजिएगा। आपने ये वाला कॉपी करा था मैग्नीशियम का सर? तो इसका मतलब इनके यही 3 से 4 तरीके होते हैं जिस तरीके में ये आ सकते हैं रिलेटेड पहले तो एआर मार्क करने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे तरीके ऐसे होते हैं जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सबका करवा दिया। अब जब आप लोग पास पेपर्स खोलेंगे, जब आप बुक देखेंगे तो इसी के आसपास ही आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इट इज वेरी इट विल मेक इजी फॉर यू गाइस टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन, ओके। चलो अभी रुको, फिर अभी कॉपी नहीं करो, एक मिनट रुकना। एक और वो बेसिक्स क्या वो कब भेजेंगे पीडीएफ ग्रुप पर? कल आज बोला था, क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा जाऊँ दिखाता हूँ, कल वाली स्लाइड भी दिखाता हूँ, पहले आज का काम हो जाए ना, पहले जो मेरा एक टारगेट है वो हम वहाँ पर पहुँच जाए, फिर मैं एंड में 5 मिनट में आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, तुम स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक। अच्छा अब ये आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है विद द सेम फॉर्मूला, वो ये है आपके पास कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास बेटा पोटेशियम के 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, पोटेशियम 1 एंड पोटेशियम 2, इसके 2 आइसोटोप्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। एक है बेटा आपका पोटेशियम 39, मास नंबर दिया हुआ है, और एक है पोटेशियम 41, ओके। और द टोटल एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम जो आपके पास है वो है बेटा 39.1, ओके। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन देते हुए कहा कि यार मैंने आपको टोटल एटॉमिक मास बता दिया 39.1, 2 आइसोटोप्स हैं ये भी बता दिया, एक 39 वाला और एक पोटेशियम 41 वाला। अब एग्जामिनर कहता है कि फाइंड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप, हर एक आइसोटोप की अब आप रिलेटिव अबंडेंस निकालो, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली अब परसेंटेजेस निकालनी है और टोटल आपको जो वो एटॉमिक मास है वो दे दिया, तो कैसे सॉल्व करोगे उस बात? हाँ सर, इसके अंदर तो फिर एक चीज नोट करनी होगी कि 39.1 39 के ज्यादा करीब है, तो 39 की अबंडेंस ज्यादा होगी। लेकिन आप बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, 39 की अबंडेंस ज्यादा है और 41 वाले की अबंडेंस बहुत ही ज्यादा कम होगी विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक मास, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैलकुलेशन करके। तो ये मैथमेटिक्स का बेसिकली क्वेश्चन है, क्या करोगे सोचो।
हाँ रेशियो मैथड भी कर सकते हैं। देखो करवाता हूँ, बेसिकली आपके पास पोटेशियम के दो आइसोटोप है और हमें इनकी परसेंटेज अबंडेंसेस निकालनी है। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स लेके आ जाऊंगा। मैंने क्या करा, मैंने इस पोटेशियम 39 वाले की परसेंटेज को सपोज कर लिया एक्स, लेट एक्स बी दी परसेंटेज, लेट एक्स बी दी रिलेटिव अबंडेंस। एक्स बी दी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पोटेशियम 39, ठीक है। तो मुझे जरा सोच के बताइएगा, अगर इस पोटेशियम 39 की परसेंटेज मैंने एक्स दे दी, तो इस पोटेशियम 41 की परसेंटेज मैं क्या लूंगा? 100 माइनस है 100 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि जो टोटल परसेंटेज किसी की भी आइसोटोप की कितनी हो सकती है 100, ठीक है। और अगर पोटेशियम एक्स है तो जितनी वैल्यूज एक्स की आएगी उसको मैं अगर टोटल से माइनस कर दूं तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेशियम 41 एज वेल, राइट। तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए रिलेटिबल हो गया विद रिस्पेक्ट टू द सेम फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, ए आर को मल्टीप्लाई करवाते थे, तो यहाँ पे ए आर आपको गिवन है 39.1, सही। पहली मास प्लस दूसरा क्या है बेटा आपके पास 41, और इसकी परसेंटेज आपने क्या ली है बेटा 100 माइनस एक्स, एंड द होल थिंग डिवाइडेड टू 100। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। 39.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया बेटा 39x प्लस इट बिकम्स 4100 एंड माइनस 41x, 39.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इट बिकम्स 3910, ये आ जाएगा बेटा 39x माइनस 41x, ये हो गया माइनस 2x प्लस 4100, ठीक है। अगर आप इसको x के लिए सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4100 माइनस 3910, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 95%, ठीक है। तो पोटेशियम 39 वाली की परसेंटेज आपके पास कितनी आ गई बेटा 95, और जब आप पोटेशियम 41 की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5%। क्या आपको लगता है कि आपका आंसर एग्जैक्टली सही है? नहीं सर, नहीं सही नहीं है, नहीं सही सही आंसर सही है, लेकिन दो अलग अलग के आंसर आएंगे। अब हमें एक के का 41 का आंसर निकालना होगा और एक के 5 उसका भी आंसर निकालना होगा, फिर हमारा आंसर सही होगा। बिल्कुल ये आंसर आपका बिल्कुल जो परसेंटेजेस आई है वो सही है, समझ आ रही है बस। अब एक काम करो, अब इन सारे जो मेथड्स हैं उनको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, पिक्चर इन द पिक्चर ले लो। कल बेटा मजाऊ कल वाले जो हमने काम शुरू किया था वो यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पर काम शुरू किया था, आप चाहो तो उसके स्क्रीनशॉट ले लो। पहला स्लाइड ये थी हमारे पास, दूसरा है आपके पास जो हमने शुरू किया था स्पेक्ट्रोमेट्री, और उस स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग फिर ये वाले सारे ग्राफ्स जो आज हमने डिस्कस करे हैं पर बात कर रहे थे। एक एग्जांपल तो ये देख, एग्जांपल थ्री, या अगर एग्जाम्पल फाइव, ठीक है जाने आगे चले बेटा।
डन। हेलो चले आ गए। तो अब हम लोग इसके बाद अपने वही एटॉमिक स्ट्रक्चर को कहेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे विच इज कॉल्ड दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Arrangement of electrons in atomic structure। बेटा ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब ये चीज आपने कभी भी नहीं देखी होगी। अच्छा अब ये चीज मेरी बात सुनिएगा, हम लोगों ने आज से पहले जो सारी बातें करी वो लेवल वो ये थी कि जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि यार आपके पास एक एलिमेंट है सोडियम 11N23, तो इसके पास बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, हमारे पास 11 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन किसके पास कितने होंगे बेटा 11 होंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है तो आप लिखते थे 2, 8 और 1, सही, जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर 8 इलेक्ट्रॉन है एंड फिर आउटर शेल में हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे जो आज से पहले आपने बिल्कुल कभी नहीं करी होगी। बेटा आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक की थ्योरी के हिसाब से हम लोग ये पढ़ के आए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आउट जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आपको ये बात बताएंगे कि यार कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट से हम लोग लिखते थे ना, तो दे आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट लेकिन इन शेल्स के अंदर भी आपको कुछ स्पेशल सब शेल्स मिलते हैं कि जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, उस फाइल से आप समझिएगा कि मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी यार आपका सॉरी सॉरी। अच्छा हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम शेल्फ्स की। अब बेटा ये जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल्फ्स हैं, आज से पहले जो हम लोग बात करते हुए आए थे इस डायग्राम में कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन अ शेल, ठीक है। लेकिन हम इन शेल्स को अब एनर्जी लेवल्स या फिर प्रिंसिपल क्वांटम शेल के नाम से जानेंगे, ठीक है। इन प्रिंसिपल क्वांटम शेल को हम लोग कौन से डिनोट करते हैं बेटा, सिंबल एन से। अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना बेटा, आपका ये तो न्यूक्लियस है इस डायग्राम में, दिस इज द शेल नंबर, ये न्यूक्लियस आ गया हमारे पास न्यूक्लियस, ये शेल नंबर वन, शेल नंबर टू, शेल नंबर थ्री और शेल नंबर फोर। बेटा इन शेल्स को हम लोग एनर्जी लेवल्स भी कह रहे हैं। एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या कि वो शेल जो कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के से करीब है उतनी उस शेल की जो अपनी एनर्जी है वो कम है। लेकिन जैसे जैसे आपके ये जो शेल्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे तो इन शेल्स की एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ते चले जाएगी। मतलब सबसे लेस एनर्जी वाला शेल आपका शेल नंबर वन है, फिर शेल नंबर टू, फिर शेल नंबर थ्री एंड फिर शेल नंबर फोर। तो द मोर फर्दर द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी विल बी ऑक्यूपाइड बाय दैट शेल, सही है। तो इस बात में देखिएगा बेटा, द प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंगली हाउ फार आर दे फ्रॉम द न्यूक्लियस। द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज वन, जो सबसे करीब एनर्जी है आपके पास वो शेल नंबर वन की है, इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। एंड द एनर्जी लेवल जिसकी वैल्यू एन इज इक्वल टू टू है इज फर्दर आउट एंड सो ऑन। तो जितना शेल आपके न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल नंबर बढ़ता चला जाएगा और उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होते चली जाएगी। बेटा अब इन शेल्स को हम लोग एनर्जी लेवल्स के नाम से याद रखेंगे। सबसे लेस एनर्जी लेवल वाला शेल आपके पास शेल वन है और इस वाली डायग्राम में सबसे हाई एनर्जी वाला जो शेल है आपके पास वो शेल नंबर फोर है हमारे पास, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव मोर एनर्जी एंड हेल्ड लेस टाइटली बाय द न्यूक्लियस। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतने ही ज्यादा उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम होगी, तो इट इज मोर इजी फॉर दैट इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम हियर एज कंपेयर टू वो इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद है। लेट्स सपोज अब ये पहला शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस अपने पास बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस शेल को निकलना मुश्किल है, समझ आ रही है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे उतनी उन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी कम होगी, ठीक है, तो वो वहां पर उस शेल को ब्रेक करके नहीं निकल सकते। लेकिन द मोर फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा हाई है और वो इजिली वहां से रिमूव हो सकता है, ठीक है। अब एक और चीज बेटा, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन फिक्स सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फिक्स सर्कुलर पाथ में रिमूव नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ में कुछ खास स्पेसेस होती हैं, कुछ खास जगहें होती हैं कि जहां पे हमें ये इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और ये जो सारे और वो जो फिक्स जो एक ऑक्यूपाई स्पेस है जो कि एक खास स्पेस है उसको हम कहते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो वो वाली थ्योरी जो थी हमारे पास ओ लेवल्स में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करता, बल्कि इस सर्कुलर पाथ में कुछ खास स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं और वो वाले जो इलेक्ट्रॉन जो जगहें हैं हम उसको कहते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। The total number of electrons that can occupy any principal shell is 2n square, where n is the principal quantum number. बेटा इस बात को समझिएगा, मैं आपको ये बात बना के बताता हूँ। देखो न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी शेल होते हैं ना,
उस शेल के अपने अपने आपके पास नाम है। जो फर्स्ट शेल है हमारे पास वो है ए शेल, सेकंड शेल है एल, फिर एम, एन, ओ, पी, एन, क्यू। ये आपके पास सारे के सारे प्रिंसिपल क्वांटम शेल के नाम है, ठीक है। और ये शेल नंबर है एन, के का मतलब शेल नंबर वन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, एल का मतलब शेल नंबर टू न्यूक्लियस से दूर हो गया, शेल नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। तो आपके पास टोटल कितने शेल होते हैं बेटा? हमारे पास सेवन शेल होते हैं। अब एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा 2n2। अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो n की जगह क्या डालेंगे बेटा? 1। ये हो गया फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर 18 इलेक्ट्रॉन। Electron, 72 electron, 78 electron, and 98 electron. ठीक है, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स है। और एक प्रिंसिपल क्वांटम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हम इजीली 2n2 के फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अभी तक कुछ बात समझ आ रही है? कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज बताओ। यस सर। एक ही बच्चे को समझ रहा है, बाकी सब बच्चे भी सोच रहे हैं, है ना? ऐसा है ना? दोबारा बताऊं? अमेल, सती, माहिन बेटा, अब तो इसका मतलब अगर हम अब जब जैसे हम लोग अपने आप तो अरेंजमेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन से, तो मैं इसके हिसाब से करनी होगी। बिल्कुल, अब हमें सारे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट उनके सब शेल्स और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हिसाब से करनी होगी। अब हम लोग अगर अपनी अरेंजमेंट है वो 2, 8, 1 वाली नहीं करेंगे। हमार बात समझ आ रही है? सची बेटा बताइएगा। रुमेल जी सर, तो मसला तो नहीं है बेटा? नहीं सर। चलो बेटा, ये बात हमारे पास हो गई बेहतरीन। अब बेटा हम एक और चीज की तरफ जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज है ना, आराम आराम से जब भी बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर समझना आगे इतनी आसान है कि आपकी सोच है और नंबर यहाँ पर आपको मिलते चले गए। अच्छा बेटा, अब हम बात कर रहे हैं सब शेल्स। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास यहाँ पर एक और नया आया कि आपके पास ये जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स होते हैं ना बेटा, इन प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स के अंदर भी सब शेल्स मौजूद होते हैं कि जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। एंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स। हमारे पास 4 टाइप्स के सब शेल्स होंगे और उन सब शेल्स के नाम, यार मेरे ख्याल से आज मेरा इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो जब भी ये प्रॉब्लम हो रही है या तो समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है। तो बेटा अगर हम सब शेल्स की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स जो कि हर प्रिंसिपल क्वांटम शेल में मौजूद हो सकते हैं, और उन सब शेल्स के नाम होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, 4 टाइप्स के सब शेल्स आपके पास मौजूद होंगे, एस, पी, डी और एफ। अब हमारे पास इन सब शेल्स के अंदर
जो सबशेल न्यूक्लियस के करीब होगा वो होगा एस। सर आपकी आवाज बहुत आवाज की बात है, सबको ही आवाज कम आ रही है या फिर कोई स्पेसिफिक बच्चे का मसला है ये? आपकी आवाज क्या हो रही है, रुक रही है? जी सर बीच बीच में आपकी आवाज हल्की हो जाती है कभी कभार और कभी कभार रुक जाती है। ये क्या मसला है यार? हाई लो हो रही है तो बस ये मेरे ख्याल से इंटरनेट आज थोड़ा सा तंग कर रहा है। चलो मैं कोशिश करता हूँ तो इशू को सही करूँ। चले पहले हम लोग इस क्वांटम सबशेल्स की बात करते हैं। बड़ा आपके पास ये जो सबशेल्स हैं हमारे पास द प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर स्प्लिट इनटू सबशेल्स। बेटा पहले शेल को छोड़ के जो बाकी के शेल है ना, शेल नंबर टू, शेल नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन, वो सब और मजीद सब शेल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एनर्जी लेवल कंटेन्स वन सब शेल, द सेकेंड एनर्जी लेवल कंटेन्स टू एंड सो ऑन। आपके पास जो सब शेल हैं बेटा उनके नाम क्या हैं? एस, पी, डी और एफ एंड सो ऑन। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पर एस, पी, डी और एफ की ही बात करेंगे और इस एस पी डी और एफ में भी जो चीज हमारे कोर्स में इंक्लूड है वो सिर्फ एस पी और डी सबशेल ही है। सही है, उसके बाद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ एस पी डी और एफ। ठीक है, मतलब जो एस सबशेल है क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है इसीलिए उसकी अपनी एनर्जी कम है, पी सबशेल न्यूक्लियस से दूर हो गया, डी सबशेल न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर हो गया एंड एफ जो है वो सबसे ज्यादा दूर हो गया। तो ये जो सबशेल की भी वही कहानी है। देखो एक प्रिंसिपल क्वांटम शेल के अंदर ही, ये जो एक प्रिंसिपल क्वांटम शेल है इसी के अंदर ही तो ये सबशेल मौजूद है ना हमारे पास। तो जब आपका प्रिंसिपल क्वांटम शेल करीब है तो उसमें रहने वाले सबशेल भी करीब है, लेकिन जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम शेल बढ़ता चला जाएगा तो उनके सब शेल भी न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे। अरे ये बात समझ में बेटा, ये पॉइंट गेट करा आपने? ठीक है, तो अब एक बात बहुत ही गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। हमने आपके साथ बात करी कि यार जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम शेल हैं, ठीक है, हम चार कॉलम बना के मैं ये बात आपको समझाऊंगा। आपके पास चार प्रिंसिपल क्वांटम शेल मैंने ले लिए, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अच्छा उससे पहले बेटा हमारे पास ये जो सब शेल्स है ना, एस पी डी और एफ, इन सब शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हमें बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी। सर ये जो एस का सब शेल है हमारे पास, इस एस सब शेल में सिर्फ मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के सब शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी के सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ के अंदर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सही है, ये सब शेल की अरेंजमेंट है। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, मैंने चार शेल्स ले लिए, के शेल, एल शेल,
एम शेल और एन शेल। मुझे पता है कि भाई के का मतलब है मैं शेल नंबर वन में हूँ, एल का मतलब शेल नंबर टू, शेल नंबर थ्री और शेल नंबर फोर, ठीक है। अब इन शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, टू एन स्क्वायर का। तो मतलब फर्स्ट शेल में आपके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकेंड शेल में आपके पास एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा दो मिनट बाद बहुत गौर से सुनिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो और मुझे सोच के बताइएगा कि बेटा ये जो के का प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, ये तो प्रिंसिपल शेल है ना, इसके अंदर सब शेल मौजूद है, ये प्रिंसिपल शेल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले प्रिंसिपल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मैक्सिमम, सिर्फ दो। तो आउट ऑफ दीज फोर सब शेल्स आपको इन चारों सब शेल्स में से कौन सा सब शेल ऐसा होगा जो पहले शेल के अंदर मौजूद होगा, सिर्फ एस, सिर्फ एस। क्यों एस? क्योंकि पहले शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और इन दो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए मुझे इन चारों में से सिर्फ एक ही सबशेल की जरूरत है, जो कि आपके पास हो गया एस, और मैं इसको लिखूंगा 1s करके, समझे। ये पहला शेल खत्म हो गया, ठीक है बेटा। सबसे छोटा, सबसे करीब शेल है एस, फिर सबसे कम एनर्जी पी की है, फिर डी की है, फिर एस की, ये इसकी एनर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात और भी लिख देता हूँ कि भाई लेफ्ट टू राइट जो इन शेल्स की एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आगे चलेंगे बेटा, पहला शेल खत्म हो गया, के शेल खत्म, और के शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिट सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास दो आ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सेकेंड शेल में चले जाऊँ, अब बेटा सेकेंड शेल में मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं, एट। तो इन एट शेल को फिल करने के लिए इन चारों सब शेल्स में से कितने सब शेल्स की जरूरत होगी, दो, एस और पी। एस और पी, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, टू एस और टू पी, ठीक है। जब मैं थर्ड वाले इस पे चला गया, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने, 18, तो क्या हो जाएगा बेटा, थ्री एस, थ्री पी और 3d, समझे। और जब मैं चौथे वाले शेल में चले जाऊंगा तो 4s, 4p, 4d और 4f। 2s क्यों बेटा, क्योंकि सेकेंड शेल में हूं ना मैं, सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल, उसी सेकेंड शेल के p ऑर्बिटल, समझे। देखो टोटल आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होगी बेटा, हमेशा आप लोग जब भी नया शेल शुरू करोगे ना तो आपकी कहानी एस से ही शुरू होगी। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी एस, ये पहला शेल कंप्लीट हो गया। लेकिन जब मैं दूसरे शेल में गया तो मुझे फिर से अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ से भरना शुरू करने, एस से, समझो। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग ऑर्डर होगा वो लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल होगा, समझे। देखो मैं अगर डी में चला गया, शेल चेंज हो गया ना, जब शेल चेंज हो गया तो फिर मैंने एस से बात शुरू करी। अब क्योंकि डी में 18 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना था तो यहाँ पे एस भी आया, पी भी आया और डी भी आया, सही है। एंड सेम चीज आपके पास एफ के लिए आई। देखो पहले शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमारा एस ऑर्बिटल से ही पूरा काम चल गया, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी पी और डी और एफ की तरफ जाने की, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। बात समझ पा रहे हो बच्चों? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा।
सही। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल एस पी डी और एफ की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, वो हमेशा सेम रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। एफ में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 3 में 6, 3 में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था इसका मतलब ये है कि मतलब ये सारे प्रिंसिपल शेल हैं, ये सब सब शेल से मिलके बने हैं। बिल्कुल, इन प्रिंसिपल शेल्स के अंदर ये सब सब शेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। तो वो जो पुरानी थ्योरी थी ना कि इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह रिवॉल्व कर रहा है शेल में, ऐसा नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सब शेल मौजूद है, वहां पे आपके पास मौजूद होगा। और वो सब शेल कितने हैं? 4 हैं। अभी तक के लिए हमारे पास यही बात जाननी जरूरी है कि वी हैव 4 सब शेल। सबको बात अगर क्लियर है तो सब मुझे चैट में बताएंगे, किसी एक को भी मसला है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। नहीं समझ में आए 10 बार पूछ लेना, लेकिन चुप रहने का नहीं है, सिर्फ एक बच्चे का। ये क्लियर क्लियर, सही है, शाबाश। अब बेहतरीन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली फाइल जो मैंने अभी स्टार्ट करी है ना, और पुरानी वाली दोनों पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, सही है, बल्कि ये वाली नहीं भेज रहा, पुरानी वाली ग्रुप पे भेज रहा हूँ, उसको आपने पढ़ के रखना है। कल हम लोग इंशाल्लाह सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समेट लेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आई थिंक आपको यहाँ से जरूरत पड़ेगी, एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लो, ठीक है, और एक आप स्क्रीनशॉट ये ले लो, डन हो गया। तो आज की बात को बेटा हम यहीं तक ही रखेंगे, इसको जो कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, ठीक है, या फिर